तो हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 16 साल की उम्र में ही बहुत अधिक मशहूर हो गया था। जी हाँ दोस्तों, नाम था दुर्लभ कश्यप। 16 साल की उम्र से ही इसने वो काम करने लगा जो कि 16 साल के किसी भी बच्चे के लिए संभव ही नहीं है। आपको पता होगा कि 16 साल की उम्र में कितना ज्यादा दिमाग होता है लोगों को, बहुत कम दिमाग होता है। लेकिन ये दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र से ही वो करने लगा जो कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दोस्तों 16 साल की उम्र से ही इसने गैंग चलाना शुरू कर दिया। इसने फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट किया और वहां से इसने गैंगस्टर को पैदा करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र से ही इसने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। यदि एटीट्यूड का कोई पहचान था तो वो था दुर्लभ कश्यप। हर एक बंदा कांपता था इससे, हर कोई इसका फैन हो चुका था और दुर्लभ कश्यप को हर कोई पसंद करने लगा था। क्योंकि दुर्लभ कश्यप डरपोक नहीं था, ये जिस किसी से भी पंगा लेता था ये उसको निपट करके ही छोड़ता था। दोस्तों नाम भी दुर्लभ और काम भी इसका दुर्लभ ही था। ये कभी भी छोटा मोटा लफड़ा में नहीं उलझता था, बल्कि ये पंगा उसी से लेता था जहाँ लफड़ा बड़ा होता था। कई बार बहुत ऐसे लड़के थे जो लड़के कमजोर थे, जिसको कि जो मजबूत लोग हुआ करते थे वो डराते धमकाते थे, लेकिन दुर्लभ कश्यप उन कमजोर लोगों का मदद करता था। हाँ बात सच था कि ये गैंगस्टर था और गैंगस्टर का जिंदगी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। उसका काम भी हो सकता है कि समाज के बहुत सारे लोगों को पसंद ना आता हो, लेकिन दुर्लभ कश्यप जो था वो एक ऐसा बंदा था जो बिल्कुल निडर था। लेकिन मुझे लगता है ना कि यदि दुर्लभ कश्यप अगर फौज में होता तो ये सच में इस देश के लिए बहुत बड़ा काम करता। लेकिन इसने बचपन में ही कुछ ऐसा रास्ता चुन लिया जो रास्ता इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो रास्ता इसके लिए बेहद खतरनाक था और अंततः इसके लिए वो खतरनाक सिद्ध हो ही गया। दुर्लभ कश्यप 2020 में मारा गया। वो मारा तो गया, लेकिन उसके मरने के बाद आज भी बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप के रास्ते पर चलते हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप की तरह बनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो कि दुर्लभ कश्यप की तरह सिगरेट पीना चाहते हैं, गांजा पीना चाहते हैं, और बहुत ऐसे लड़के हैं जो दुर्लभ कश्यप की तरह एटीट्यूड बॉय बनना चाहते हैं। देखो भाई, एटीट्यूड बॉय तुम भी बन सकते हो और एटीट्यूड बॉय बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, दुर्लभ कश्यप जो कुछ भी था वो खुद में एक अलग सा था, वैसा हर कोई नहीं हो सकता। और मैं किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप वैसा बनो, क्योंकि दुर्लभ कश्यप का लाइफ कितना ज़्यादा खतरनाक था, कितना ज़्यादा स्ट्रगल से भरा हुआ था, ये शायद वही समझ सकता है जो दुर्लभ कश्यप के साथ था। एक बार दुर्लभ कश्यप से पूछा गया कि भाई तुम जो गैंगस्टर बने हो तो क्या तुम्हें लगता है कि ये लाइफ बहुत अच्छा है? तो दुर्लभ कश्यप ने जवाब दिया, देखो भाई ये सब काम अच्छा चीज़ नहीं है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन यदि मैं अभी गैंगस्टर का रूप छोड़ करके यदि कोई अच्छा सा आदमी बन जाऊँ तो लोग फिर भी मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, फिर भी लोग मुझे ना आँख दिखाएंगे और लोग मुझे नीचे दबाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अब मैं इस लाइफ से छुटकारा पाऊँ, क्योंकि अब मुझे जो भी करना है मैं करूँगा, चाहे मेरा मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं। कोई जो ये चाहेगा कि वो दुर्लभ कश्यप को अपने वश में कर ले, ये संभव नहीं है। दुर्लभ सिर्फ एक ही सपना देखता है कि वो कभी किसी के अंडर में नहीं जिएगा, दुर्लभ जिएगा तो शेर की तरह जिएगा, और यही दुर्लभ कश्यप का कहना था। तो दुर्लभ कश्यप का बस एक ही सपना था कि जीऊंगा तो किंग की तरह जीऊंगा, किसी के शरण में जाकर नहीं जीऊंगा, और वही हुआ। दुर्लभ कश्यप कभी किसी के शरण में जाकर नहीं जीता था, बल्कि ये लोगों को ऑर्डर देता था, ना कि लोगों का ऑर्डर ये मानता था। ये वही करता था जो इसके दिमाग में होता था। दुर्लभ कश्यप के लिए कुछ भी बड़ा नहीं था, किसी को मारना इसके लिए बहुत ही आसान चीज़ था। लेकिन दोस्तों मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि देखो ये सब चीज़ अच्छा नहीं है। अब बहुत ऐसे लोग हैं ना जो कि ये कहते हो कि भाई तुम ना ज़्यादा ज्ञान बांट रहे हो, तो ज्ञान मत बांटो। देखो मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। दुर्लभ कश्यप का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरनाक था और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाई तुम भी खतरे में चले जाओ। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि दुर्लभ कश्यप का वीडियो देख करके बोलती है कि भाई मैं भी दुर्लभ कश्यप की तरह बनूंगी। क्यों, क्या जरूरी है बनने का? अरे एक दुर्लभ तो आया ना, अब जरूरी है कि दूसरा दुर्लभ भी बनो? कोई आवश्यकता नहीं है भाई, तुम अच्छे से रहो। दुर्लभ कश्यप 3 साल ही अपना काम किया, लेकिन 3 साल के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसका रास्ता सही नहीं था, चाहे तुम मानो या ना मानो। हाँ जानता हूँ कि बहुत ऐसे लड़के हैं जो लड़के कहते हैं कि भाई झुक करके नहीं रहना चाहिए। चलो यार ठीक है, झुक करके नहीं रहना चाहिए, तो फिर इस देश के लिए कुछ करो ना। इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लो, फौज ज्वाइन कर लो, कुछ बड़ा काम करो, कुछ अच्छा काम करो, इस समाज के लिए करो। देखो मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो, लेकिन दुर्लभ कश्यप का लाइफ बहुत ज़्यादा खतरनाक था और आज दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है। और दुर्लभ कश्यप के पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा गलत काम करे। दुर्लभ कश्यप के पिता बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि दुर्लभ कश्यप बर्बाद हो जाए, वो कभी नहीं चाहते थे कि दुर्लभ कश्यप गलत रास्ता चुन ले। लेकिन दुर्लभ कश्यप अपने कारण से उसने गलत रास्ता चुना और वो जो मारा
तो उसकी मौत का भी जिम्मेदार वो खुद ही था, ना कि उसके माता पिता थे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी दुर्लभ कश्यप की तरह बन करके आप भी इस दुनिया में ना रहो। भाई कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा सा सपना देखो, कुछ नया करने का सोचो। तुम भी उसी की तरह करने का प्रयास मत करो। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें कुछ सीख मिला होगा, और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करोगे। तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में।